हाँ बट्टा ही बोलते हैं, तो इस तरीके से इन्होंने समझाया है। और एक बात और दिखा दूं आपको कि ये देखो गांव में इतना अच्छा सत्कार होता है। और ये सिस्टर जी मेरे लिए चाय लेके आई है अभी, तो इधर मैं दिखाऊं आपको। तो ये तो भैंस बंधी हुई है और इधर ये इस तरीके से भाई ये खेती कुछ बैंगन वगैरह लगा रखे हैं इन्होंने। ये अच्छा क्या कर रहे हैं आप? टाइम पास कर रही हूँ। नहीं क्या कर रहे हैं अभी, क्या काम कर रहे हैं? अच्छा 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 क्या बैंगन तोड़ रहे हैं, टमाटर तोड़ रहे हैं? अच्छा भट्टा, अच्छा 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 भट्टा, अच्छा भट्टा, अच्छा अच्छा। हाँ देखो दोस्तों ये देहाती भाषा में तो भाई हमारे इधर हाँ भट्टा ही बोलते हैं, तो इस तरीके से इन्होंने समझाया है। और हेलो दोस्तों, सत्यनारायण कुशवाहा राजस्थान की धरती से प्यार भरा नमस्कार। और आज पहुंचा हूं मैं गेहूं खेड़ी गांव में, और गांव में नहीं हूं मैं अभी फिलहाल, मैं जो गांव के बाहर जो खेत पे रहते हैं लोग तो वहां पे हूं। और जैसे दिखाता हूं मैं आपको कि जैसे खेत पे या गांव के बाहर जो पब्लिक रहती है तो उनका कैसा जनजीवन रहता है, कैसा वातावरण रहता है और कैसे रहन सहन रहता है। तो चलते हैं दिखाते हैं। जिस भाई के पास मैं आया हूँ तो ये इस तरह का मकान है उसके, और ये कुछ जो सीमेंट वाले जो चद्दर बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो ये इस तरह का इन्होंने लगा रखा है। और जो मैं दिखाऊँ आपको तो ये दीवारें कुछ कच्ची नज़र आ रही है। और ये इधर इस साइड में तो इनकी ये गाय की बछिया बंधी हुई है, देख सकते हैं आप, तो ये बछिया बंधी हुई है। और ये इनका ऐसा वातावरण है। और एक बात और दिखा दूं आपको कि ये देखो गांव में इतना अच्छा सत्कार होता है। और ये सिस्टर जी मेरे लिए चाय लेके आई है अभी, तो इतना शायद सिटी में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो देख सकते हैं ये सिस्टर जी मेरे लिए इस तरह से चाय लाई है, और अभी पहले चाय पी लेता हूँ उसके बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। तो दिखाऊं आपको तो ये इस तरह से इनका ये चूल्हा, रसोई मान लो या चूल्हा चक्की जो भी मान लो, ये इस तरह का यहाँ पे इनको जो सिस्टम है। और शायद यहाँ पे अब राशन पानी के बारे में आप देख सकते हैं, तो कुछ राशन पानी नहीं है इनके पास, और शायद हो सकता है अंदर रखा हो, बाहर की वजह से अंदर रख देते हो। तो इस तरह का तो यहाँ का जो वातावरण है, और यहाँ जो शख्स है जो भाई है तो उनसे करवाते हैं मुलाकात। और ये इनके पास एक टूटी मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल है, तो ये इस तरह की इन्होंने साइकिल रख रखी है, देख सकते हैं आप। क्यों अच्छा क्या नाम है आपका? भंवर सिंह। भंवर सिंह, अच्छा गांव का नाम? गेहूं खेड़ी। अच्छा गेहूं खेड़ी, अच्छा तो वैसे वैसे पाल रखी मतलब आपने, तो बड़े आदमी हैं आप, तो बड़े आदमी है क्या? गरीब आदमी है। गरीब, गरीब, अच्छा गरीब आदमी, अच्छा गरीब। अच्छा तो ये साइकिल रख रखी आपने, ये तो ये बताइए कि क्या आपके पास बाइक नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा मोटरसाइकिल नहीं। और ये मकान ये इस तरह का है, तो मतलब ये क्या कच्चा ही है आपके मकान? कच्चे ही। तो भाई कच्चा कैसे है, जैसे आपको कोई जैसे गवर्नमेंट की तरफ से इंदिरा आवास या आवास योजना मिलती है तो वो आपको नहीं मिली क्या? तो आपने आवेदन नहीं किया होगा? सब कर रहा, कर रहा क्या? हाँ। अच्छा आवेदन तो किया लेकिन मिला नहीं है मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात और पूछ लेता हूँ मैं आपसे, जैसे आप ऐसे खुले में रहते हैं, ये जो ये इस तरह का खेत पे ही रहते हैं आप, और जैसे भाई यहाँ पे आपको जैसे चोर चकार का डर नहीं लगता? अच्छा डर नहीं लगता, तो मतलब चोर आप हैं? आप ये चोर हैं? चोर है साहूकार? साहूकार है। अच्छा भाई तो अच्छा ये अच्छा एक बात पूछता हूँ कि जैसे गांव के बाहर आप रहते हैं तो जैसे चोरों से तो परेशानी रहती होगी आपको? बंगलों पड़े भाई, आपके कभी चोरी हुई कि नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके बारे में जैसे यहाँ फायदा क्या क्या रहता है और क्या क्या परेशानी रहती है ये भाई मैं आपसे? आटी आओ आटी आओ आटी आओ यहाँ आटी आटी। अच्छा क्या क्या परेशानी रहती है, क्या क्या फायदा रहता है गांव के बाहर रहने में, खेत पे रहने में क्या क्या फायदा? कुछ भी नहीं,
फायदा भी नहीं नुकसान भी नहीं, नहीं। फायदा बढ़िया अच्छा अच्छा यही फायदो है। क्या क्या सब्जी बोते हैं? पट्टा है, टमाटर है। अच्छा 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 सब्जी लगा लेते हैं। अच्छा अच्छा तो उससे गुजारा चल जाता है मतलब। अच्छा आप तो पढ़े लिखे हैं। अच्छा क्या क्या फायदा है जैसे गांव के बाहर रहने में, क्या क्या फायदा रहता है? क्या फायदा तो यहीं पर ये सब कुछ जमीन वगैरह घर पर है, नहीं है गरीब आदमी। अच्छा अच्छा गरीब आदमी इस वजह से यहाँ रहते हैं मतलब। अच्छा तो दोस्तों अभी आया था मैं ये गेहूँ खेड़ी में, और गेहूँ खेड़ी में आने के बाद भाई गाँव में तो नहीं था, और गाँव के बाहर जो अपना खेत होता है तो खेत पे था, और भाई यहाँ पे जो लोग हैं तो कैमरा फ्रेंडली नहीं है, और अक्सर जो बात करने में कुछ झिझकते हैं, शर्माते हैं लोग, तो इस वजह से पूरी बात तो नहीं कर पाए लोग। और तो ये यहाँ का जो जनजीवन दिखाया मैंने ये इस तरह का था, और अब मैं वीडियो को करता हूँ एंड, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अब वीडियो को करता हूँ एंड, और आपका भाई आपका दोस्त सत्यनारायण कुशवाहा, धन्यवाद, थैंक यू जी, धन्यवाद।